धनवार विधानसभा क्षेत्र के डोरंडा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस सरकार का ध्यान विकास की ओर नहीं बल्कि इनका ध्यान घुसपैठियों को बसाने पर है। शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठिए कान खोलकर सुन ले, हेमंत सरकार के साथ उनका भी समय समाप्त हो गया है। साथ ही कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो घुसपैठियों के खिलाफ विशेष कानून लाकर एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। कहा कि झारखंड नक्सलवाद का दंश झेल रहा था, केंद्र की मोदी सरकार ने 10 साल में झारखंड को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब गुरबों का सहारा में डूबा हुआ पैसा भी वापस कराया जाएगा। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने 5 सालों तक जनता को ठगने का काम किया है। कहा कि अपने पिता की कसम खाकर किए गए वादों को भी भूल गए, जनता इस बार जवाब देगी और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। कार्यक्रम को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी संबोधित किया। तो वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे निरंजन राय ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि मैं भाजपा का था, भाजपा का हूं और भाजपा का ही रहूंगा। झारखंड प्रदेश में 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने इस झारखंड के लोगों को ठगा है, गरीबों को ठगा है, यहां के बूढ़े बुजुर्गों को ठगा है, विधवा को ठगा है, 5 वर्षों तक मां बहनों को ठगा है और 5 वर्षों तक झारखंड के नौजवानों को भी ठगा है। अब याद करिए उन्होंने क्या कहा था कि साल में गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, उन्होंने कहा था कि मां बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, उन्होंने नौजवानों से कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी तो सोने का सिक्का देंगे और यहां तक कि बाबूजी का भी कसम खाया था लेकिन उसे भी उन्होंने पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि जो अपने पिताजी का कसम खा करके घोषणा करता है, वादा करता है, उसे भी जो पूरा नहीं करता है।